अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैसर अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। और आज एक बार फिर यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन पहुँच गए हैं। पहले बहुत ही कम हमें नज़र आ रही थी चंद रोज़ कब, मगर जिस दिन यहाँ पर शेलिंग की गई रात को, इन पर वाटर कैनन के ज़रिए से पानी छोड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, इसके बाद काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है बलोच रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी है, बलोच ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इस साइड पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं दूर दूर तक जो है बलोच नौजवान तुलबा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक खातून जो है अपने प्यारे मेरे ख्याल में मुझे लगता है इनका बेटा है, उनकी तस्वीर उठाई हुई है और रो रही है। और उस साइड पर भी अगर आप देखें तो ये सब अपने अपने प्यारों का, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, इन सब की तस्वीर जो है अपने हाथों में लिए ये इस्तगाज़ा कर रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए और इनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि खातून रो रही है। अगर मैं बात करूँ महरम बलोच की तो ये आपको सामने नज़र आ रही है। महरम बलोच भी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे आई है और दबंग अंदाज में फिर से उन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट का आगाज़ किया है। अगर इस साइड पर आपको दिखाए तो इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर बिल्कुल जो है नारे शारे लगाना शुरू कर दिया है। और जो यहाँ पर मुजाहिरीन है ये आपसे कुछ देर बाद डी चौक की तरफ यहाँ से निकलेंगे। तो डी चौक जाने से पहले जो उनके मुज़ाकरात जो है नाकाम हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर खारदार तारे लगा रहे हैं और ये पुलिस की जो है गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची हुई है, तारों का बड़ा इंतज़ाम किया गया है। ये जो है ना हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस पॉइंट के स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, जो यहाँ पर बीमार है या जिनको दवाई की ज़रूरत है तो वो यहाँ से दवाई वगैरह ले सकते हैं। बाकी अभी तक रोड ब्लॉक नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस की नफरी भी तैनात है और रोड को जो है इस जगह को बंद करने की तरफ जो है काम किया जा रहा है, जगह को बंद किया जा रहा है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि शाम को एक बार फिर हमें एक हल्ला गुल्ला नज़र आने वाला है, क्योंकि बलोच रहनुमाओं का कहना है कि वो डी चौक की तरफ जाएंगे और एक पीस जो है वॉक करेंगे, मगर इंतज़ामिया की तरफ से उनको इजाज़त नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो हम आपको कवरेज करते रहेंगे। प्रेस पॉइंट को फॉलो कीजिए, प्रेस पॉइंट के साथ रहें। हमारे साथ सफ़र अली की भतीजी मौजूद है, मैं उससे दरख्वास्त करती हूँ उससे क्या कर अपने इतने अलग पैसा